तो क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर होने वाला है एक बार फिर से गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली का आमना सामना। डेफिनेटली इस बार ये नो होल्ड्स बार्ड मैच होने वाला, तो पहले के मुकाबले गोल्डबर्ग के जो मैचेस होते हैं उनसे तो थोड़ा लंबा मैच जाएगा, लेकिन रिसेंटली लैशली ने करा इस बात को कन्फर्म कि प्रोबेबली इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग की तरफ से हमें एक इंटरफेरेंस भी दिखाई दे सकती है। और लैशली ने एक बार फिर से दे डाले धमकी गोल्डबर्ग को, जब गो होम एडिशन भी हो चुका है खत्म, क्या कुछ बातें यहाँ पर लैशली ने कही हैं, कौन सी इंटरफेरेंस हो सकती है उसके बारे में करने वाले बात इस हफ्ते की क्या आई मंडे नाइट रॉक एपिसोड की रेटिंग जब शो था गो होम एडिशन क्राउन ज्वेल के लिए। अलेक्सा ब्लिस ने भी कर दिया टीज उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक बार फिर से गॉडेस कैरेक्टर के अंदर, और मे बी केविन ओवेंस का भी जो कैरेक्टर है वो चेंज हो सकता है उनके मंडे नाइट रॉक के प्रीमियर के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी फॉर्मर रॉ वुमेन चैंपियन द ब्रूटैलिटी रिया रिपली के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि रिसेंटली रिया रिपली ने बात इन्फॉर्म की थी अपने सभी फैंस को कि भाई उनके जो रिंग गियर उनका जो सूट केस वगैरह वो चोरी हो चुका है और उसमें शामिल है जो वुमेन्स की टैग टीम टाइटल वो, और ऊपर से रिया रिपली के रिंग गियर। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि WWE रिया रिपली के जो मैचेस वहां से पुल आउट कर देगी जहां पर उनको एक्चुअल में एडवर्टाइज किया जा रहा था लाइव इवेंट्स के लिए। तो यहां पर रिया रिपली क्या करती हैं, वो बोरो करती हैं पैंट्स अपने करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन आर्चर ऑफ इंफिनी यानी कि डेमियन प्रीस्ट से। इवन यहां पर जो रिया रिपली है वो इस चीज को हमें पोस्ट करती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, वो लिखती No gear, no problem. Thanks for the pants, Archer of Infinity. Hashtag WWLPASO. ऊपर से जो WWE वो भी इस चीज़ को हमें पोस्ट करती हुई नजर आते हैं कि रिया रिपली ने थैंक्स किया अपने Archer of Infinity डेमियन प्रीस्ट को। वैसे ये चीज़ें देख के ना काफी अच्छा लगता है कि भाई जो सुपरस्टार्स हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब रिया रिपली यहाँ पे कम्पीट तो करना चाह रही थी लेकिन जब उनके पास पैंट्स वगैरह या फिर रिंग गियर नहीं थे तो किस तरीके से हमें कम्पीट करती हुई नजर आती जरूर बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन भैया डेमियन प्रीस्ट और रिया रिपली दोनों NXT से दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पर थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प की है रिया रिपली की। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है जुड़ी है हमारी फॉर्मर रॉ वुमेन चैंपियन द गॉडेस अलेक्सा ब्लिस के बारे में। अब मैं गॉडेस अलेक्सा ब्लिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलेक्सा ब्लिस ने खुद उनका जो पुराना करेक्टर है उसके रिटर्न को कर दिया। ठीक है, साथ से काफी टाइम पहले भी अलेक्सा ब्लिस ने बात रिवील की थी कि मे बी उनका जो पुराना वाला करेक्टर है वो हमें वापस आता हुआ नजर आ सकता है, जब उन्होंने काफी अजीबो गरीब पोस्ट की थी। और एक बार फिर से अलेक्सा ब्लिस क्या करती है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक अजीबो गरीब सी GIF पोस्ट करती हुई नजर आती है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि एक्चुअल में GIF ऐसी है कि यहाँ जो अलेक्सा ब्लिस का भूतिया वाला कैरेक्टर है, जो फीन टाइप वाला कैरेक्टर है, वो हमें ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आता है एक ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर। वैसे एक्चुअल में जो GIF है वो ये थी कि जो अलेक्सा ब्लिस का ह्यूमन वाला कैरेक्टर या फिर जो गॉडेस वाला कैरेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म होता है भूतिया कैरेक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर रिवर्स वाली जो GIF है वो पोस्ट की है अलेक्सा ब्लिस ने, जो कि डेफिनेटली काफी सारी चीजों का बयां करती है। मे बी ऐसा हो सका आने वाले टाइम में कि एक बार फिर से अलेक्सा ब्लिस का हमें गॉडेस कैरेक्टर वापस आता हुआ नजर आए, और डेफिनेटली ये जो चीज है वो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली WWE के लिए। आई गेस वुमेन्स डिवीजन के अंदर जो अलेक्सा ब्लिस का वो वाला कैरेक्टर था वो काफी बड़ा एसेट था पूरे पूरे डिवीजन के लिए, और अगर ये वाला जो अलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर है वापस आता और सीधा वो चैंपियन भी बन जाता है तो इससे फैंस को कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है जुड़ी है हमारे फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द प्राइज्ड फाइटर केविन ओवेंस के बारे में। और मे बी जो केविन ओवेंस का कैरेक्टर है वो भी चेंज हो सकता है मंडे नाइट रॉ के अंदर, और ये हो सकता है शुरुआत सीजन प्रीमियर जब होगा मंडे नाइट रॉ का। हमने देखा WWE करती रिसेंटली उस सीजन प्रीमियर अपना अनाउंस करती है और वहां पर हमें केविन ओवेंस को भी पूरी तरीके से हाइप करती हुई नजर आती है कि जो प्राइस फाइटर है जो KO है वो एक बार फिर से वापस आने वाला है मंडे नाइट रॉ के अंदर। और यहाँ पर रिसेंटली कुछ र्यूमर्स आ चुके हैं सामने, र्यूमर्स पूरी तरीके से कन्फर्म तो नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि मे बी जो केविन ओवेंस का करेक्टर है वो थोड़ा बहुत हमें चेंज होता हुआ नजर आ सकता है, और मे बी ऐसा हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ में वापस आने के बाद धीरे धीरे करके जो केविन ओवेंस है वो बेबी फेस से हमें हील सुपरस्टार बनते हुए नजर आए, या फिर उनका जो कह सकते हैं प्राइस फाइटर वाला गिमिक है, जो पुराना वाला गिमिक है जहां पर वो यूनिवर्सल चैंपियन बने थे वैसे टाइप वाला जो करेक्टर एक बार फिर से केविन ओवेंस का हमें मंडे नाइट रॉ में वापस आता हुआ नजर आए। मे बी ऐसी कुछ WWE की प्लानिंग हो सकती है क्योंकि इस जनवरी या फिर जो नेक्स्ट ईयर का जनवरी और फेब होने वाला है वहां पर जो केविन ओवेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। तो अगर WWE को केविन ओवेंस को अपने कंपनी के साथ और लंबे टाइम तक टिकाए रखना, उनको रीसाइन करवाना है, तो डेफिनेटली WWE कुछ बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी केविन ओवेंस के साथ में। और जिस तरीके से प्रोमो के अंदर हाइप के लगा ऐसा रहा है जरूर केविन ओवेंस के लिए WWE के पास कुछ काफी ज्यादा बड़े प्लान्स हैं, और मे बी इन प्लान्स के अंदर ये बात भी शामिल हो सकती है कि केविन ओवेंस का हमें एक बार फिर से हील टर्न दिखाई दे मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेट्स सी WWE के पास क्या कुछ बड़े प्लान्स रहते हैं केविन ओवेंस के लिए। आपके हिसाब से क्या KO का एक बार फिर से हील टर्न होना चाहिए या फिर नहीं मंडे नाइट रॉ में, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो क्राउन ज्वेल 2021
जिसके गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के नो होल्ड्स बार्ड मैच के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली बॉबी लैशली ने करा इस बात को कंफर्म कि इस मैच के अंदर में भी गोल्डबर्ग की तरफ से हमें एक इंटरफेरेंस दिखाई दे सकती है और गोल्डबर्ग के जो बेटे गेज हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं क्राउन ज्वेल सऊदी अरेबिया में। अब जब लैशली के रिसेंटली बस्टर्ड ओपन रेडियो के ऊपर इंटरव्यू होते हैं तो यहाँ पर लैशली बताते हैं भाई किस तरीके से क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर जो मर्जी हालात हो जो मर्जी स्ट्रैटेजी हो उनकी ही होने वाली जीत। अभी फिलहाल लैशली के पास कोई दोस्त नहीं है जो कि उनके साथ क्राउन ज्वेल के अंदर जा सके, उनके पास कोई बेटा वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो गोल्डबर्ग है उनके बेटे जो गेज है उनके साथ जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। फिर भी पॉसिबिलिटी जैसी मर्जी हम जानते हैं मे बी जो गेज है वो मेरे मैच के अंदर आके इंटरफेयर कर सकते हैं ताकि वो किसी तरीके से अपने बूढ़े पापा को जितवा दे मैच के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी के अंदर हिम्मत है चाहे वो गेज चाहे वो जो मर्जी इंसान हो अगर वो रिंग के अंदर आता है मैच के दौरान तो मेरे हाथों से अल्टीमेटली टेक डाउन कर दिया जाएगा और मेरी ही जीत होने वाली है। मैं गेज के सामने उसके पापा को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा क्राउन ज्वेल के अंदर। इसका मतलब ये कि जो मे बी गेज है वो इस मैच के अंदर हमें डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। नो होल्ड्स बार्ड मैच होने वाला है, यहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन होंगी। अगर गेज इंटरप्ट भी करते हैं वो हमला भी करते हैं लैशली के ऊपर तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने वाली है। और ऊपर से लैशली के इस इंटरव्यू से ये बात भी पता लगती है कि मे बी जो हर्ट बिजनेस है साथ में नहीं ट्रैवल कर रही लैशली के और लैशली अकेले जाने वाले हैं क्राउन ज्वेल के अंदर सऊदी अरेबिया में और वो आमना सामना करने वाले हैं गोल्डबर्ग के साथ में। अब लग ऐसा है कि गेज की मदद के साथ में किसी न किसी तरीके से हमें गोल्डबर्ग फाइनली लैशली को हराते हुए नजर आएंगे और उनका करेंगे टेक डाउन, उनका करेंगे खात्मा क्राउन ज्वेल शो के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है रीसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। अब मैंने रीसेंट मंडे नाइट रॉ देखा तो नहीं था लेकिन जहां तक लोगों के मैंने रिव्यूज चेक किए भाई जो रॉ एक बार फिर से वो काफी कचरे टाइप का था, ज्यादा कुछ खास चीजें हो नहीं पाई मंडे नाइट रॉ के अंदर। ऊपर से जो मंडे नाइट रॉ का शो था वो था गो होम एडिशन क्राउन ज्वेल 2021 के लिए और मेन इवेंट के अंदर कौन सा मैच कंफर्म होता है चार्लोट फ्लेयर वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच में ये मैच होता है रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पर कोई भी टाइटल चेंज नहीं होना था, रिसेंट टाइम में मंडे नाइट रॉ को कोई अच्छा खासा मेन इवेंट मिल ही नहीं पा रहा जो कि एक्चुअल में उनके लिए रेटिंग्स कर पाए गेन। अब बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, एक बार फिर से जो रॉ की रेटिंग्स हैं वो सबसे ज्यादा नीचे जा चुकी हैं, वो एकदम धड़म से नीचे आई हैं क्योंकि इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.593 मिलियन व्यूवर्स। डेफिनेटली पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी ऊपर गई है व्यूअरशिप क्योंकि पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स हैं वो 1.582 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। इस हफ्ते जरूर जो रेटिंग्स हैं वो ऊपर तो गई हैं 10 से 15 हज़ार लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा भाई नेगेटिव इंपैक्ट है व्यूवरशिप के ऊपर और उसका एक रीज़न है, एक सीधा से रीज़न है वो है बुकिंग मंडे नाइट रॉ की बहुत ही ज़्यादा जो बोरिंग हो रही है। और ऊपर से जिन लोगों को नहीं पता है कि रॉ की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा 6th lowest व्यूवरशिप है यानी कि जब से रॉ ओपन हुआ है तब से 6वीं सबसे ज़्यादा ये कम रेटिंग्स आई हैं मंडे नाइट रॉ की। बात करें डेमोग्राफिक रेटिंग के बारे में तो उसके अंदर काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल आया, इस हफ्ते जो डेमोग्राफिक रेटिंग है वो 0.39 आई है और पिछले हफ्ते जो डेमोग्राफिक रेटिंग है वो 0.42 आई थी। तो भाई धीरे धीरे करके चीज़ें डिक्लाइन हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा मंडे नाइट रॉ की। और दूसरी तरफ आप स्मैकडाउन को देख लो, FS1 नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन हो रहा है, 8 लाख 9 लाख ऐसी रेटिंग्स आ रही हैं, अगर होता है फॉक्स नेटवर्क के ऊपर तो भाई 2 मिलियन प्लस रेटिंग्स आती। तो देखते हैं भाई सीजन प्रीमियर से मंडे नाइट रॉ सुधरता है या फिर नहीं, अगर सुधर जाता है तो वेल एंड गुड व्यूअरशिप के अंदर उछाल आएगा। और अगर ऐसी सस्ती टाइप की जो बुकिंग है वो मंडे नाइट रॉ की रहती है सीजन प्रीमियर वाले दिन भी जो कि क्राउन ज्वेल के बाद रॉ होने वाला है तो भाई सोचने वाली बात है मंडे नाइट रॉ के लिए किस तरीके से आने वाला टाइम है अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगी और ऐसा कभी फिर हो भी पाएगा या फिर नहीं। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो ये पसंद आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।